अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, आप लोग भी यकीनन बहुत पढ़ रही होगी। दोपहर का टाइम है, अभी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँगा, फिर मैंने चिकन निकाला, उसका कीमा मैं खुद ही बना रही थी। तो बाजार में वो ऐसे ही पता नहीं, चिकन जाहिर है फिर धोना पड़ता है, वो लोग कैसे बना के दे देंगे। तो ये है कि चिकन की ब्रेस्ट मैं मंगवा के तो मैं वॉश करके फिर इसका कीमा बना लेती हूँ, बाद में फिर कीमे के बाद नहीं मैं इसको वॉश करती ना। तकरीबन सारा हो गया, यही थोड़ा सा रह गया था। कीमा मैं खुद ही घर में कर लेती हूँ, चॉपर में करती हूँ तो वो तो बिल्कुल ही पेस्ट हो जाता है। राफे गर्मी बहुत है, अंदर चले जाओ, सलाम करो उधर देख के, वो देखो भाई ब्लॉग बना रहे हैं। इतनी गर्मी है, बस बैठा नहीं है ये भी टिक्के। फैसलाबाद में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, कल भी उन लोगों ने बताया कि पूरे पंजाब में ना, पंजाब में सारे में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन कल फैसलाबाद का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था। अभी भी किचन में तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ बाहर बैठ के भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा मैं इधर ही कर लेती हूँ, कीमा तो बना लिया, प्याज वगैरह बनाऊँगी। अल्लाह करे, दुआ करें कि कोई एक आधी बारिश हो जाए ताकि गर्मी ज़रा कम हो। बच्चे कॉलेज जाते हैं, आज मैंने दोनों को नहीं भेजा, ना बेटे को ना बेटी को, क्योंकि कल इनकी दोनों की हालत बहुत बुरी हुई थी। तीन सब्जेक्ट अब पढ़ने होते हैं, फिर भी ये लोग तकरीबन सुबह 7 बजे बुलाते हैं और 1 बजे छुट्टी करते हैं, हद हो गई है। इतनी गर्मी है, आप लोग इनको तकरीबन चलो 3 से 3.5 घंटे बहुत हैं, तो 11 बजे मेरा ख्याल है छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब तो उन लोगों ने पेपर्स भी कम कर दिए हैं। इतनी गर्मी पड़ती है कि जब हालत घर आते हैं हालत इनकी बुरी होती है। बस अभी मैं जल्दी जल्दी हांडी रोटी करूँगी, फिर नहा के ना सुकून से बैठ जाऊँ। कीमा भून रही हूँ इस टाइम। मेरे बच्चे ना बस चिकन ही शौक से खाते हैं, ना छोटा गोश्त ना बीफ। बीफ तो खैर हम कभी लाए नहीं, बहुत ही कम नहीं लाए, कभी नहीं लाए, कभी भी नहीं खरीद के लाए। बस जो बड़ी पे होता है कुर्बानी का वो खा लेते हैं, कीमा वगैरह करके या कबाब वगैरह बना के, गोश्त बिल्कुल नहीं खाते हैं। अभी ये एक आलू रखा हुआ है मैंने, एक आलू डालूंगी क्योंकि सालन भी ज़रा ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा ये कि कल फ्राइडे है, कल मैंने बनाना है चाइनीज़ कबाब वगैरह, सॉरी चाइनीज़ बनाना है, चाइनीज़ राइस और मंचूरियन, लेकिन वो बेटी को नहीं पसंद है तो चलो वो रोटी खा लेगी। और इसमें मैं डालूंगी ये कीमा मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जी बेटा, हाँ ये राफे देखे क्या कर रहा है। अच्छा अच्छा इधर देखो, ये अभी अपना होमवर्क करके आया है, इधर दिखाओ, इसके बाल बड़े हैं, मैंने इसके बालों पे कैचर लगाए हैं क्योंकि बाल इसकी आंखों में आते हैं। राफे होमवर्क हो गए? हाँ मेरे बेटे ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। और हाँ मैं बता रही थी, ये डालूंगी कीमा मसाला, वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी डाल दूँगी, एक आलू लेके आई हूँ ये डालूंगी, ये प्याज मैंने काट के बारीक, इसको नमक लगा के रखा है क्योंकि इनके डैडी ज़रूर खाते हैं। बस तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, अभी मैं आटा भी गूंदूंगी। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बार बार मुँह धोती हूँ, मैंने पानी भर के रखा है ठंडा मोटर चला के ना अभी, ताकि मैं पानी ना उसे चेहरा वॉश करती रहूँ। तो अभी ये मेरे चेहरा धोए पसीना नहीं है तो, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा किचन जो है ना बिल्कुल बंद है, वेंटिलेशन का कोई भी नहीं है इसके अंदर। जी बस मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी से हांडी बनाऊँ और फारिग हो जाऊँ ना काम से। जी तो सालन जो है, आलू कीमा वो बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी मैं हांडी सॉरी चूल्हा बंद करने लगी हूँ, बिल्कुल रेडी है। धनिया हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने, चूल्हा बंद कर दूंगी मैं। और यहाँ मैंने आटा मिक्स करके रख दिया है, इसको बस 5-6 मिनट तक ना गूंद लूँगी, फिर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। और ले टाइम अभी 12:30 हुए हैं, बस आटा मैं थोड़ी देर तक जो है गूंद लूँगी, फिर उसको फ्रिज में रख दूँगी, तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक फिर मैं इनको खाना दे दूँगी, क्योंकि बच्चों ने फिर 3:30 अकेडमी का टाइम है। बहुत गर्मी थी, अभी भी मैं चेहरा धो के आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप लोगों से मुझे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है, वो ये कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।